सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोग लिए आ चुका हूँ। एंड या गाइस, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को ऐसे देख के चले जाएंगे एंड सब्सक्राइब कोई नहीं करे, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी जल्दी बन के रीच करवा दो गाइस, और कुछ नहीं चाहिए। सो बढ़ते अपने पहले अपडेट के बारे में जो की होने वाला है मनोज सारंगापानी के बारे में। तो भाई आप लोग इनका जो लेटेस्ट फिजिक अपडेट है उसको आप लोग देख सकते हो, जिनमें आप लोग इनके ट्रैप्स की तरफ फोकस करो तो भाई काफी ज्यादा ह्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे इनके ट्रैप्स। एंड बात करें इनके शोल्डर की तो वो भी टॉप नॉच कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड इन्होंने अपना एब्डोमिनल पार्ट तो दिखाया नहीं है, लेकिन आप लोग इनकी अपर बॉडी की कंडीशनिंग को देखकर इनके मिड सेक्शन की कंडीशनिंग का तो अंदाजा लगा ही सकते हो। तो गाइस आप लोग को इनका अपडेट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने थॉट्स को बता सकते हो। सो चलिए तो गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो की होने वाला है साहिल खान के बारे में। तो साहिल खान ने एक कर दिया बिग अनाउंसमेंट नरेश सूर्य क्लासिक को लेके। एंड वो बिग अनाउंसमेंट क्या है वो आप लोग साहिल खान से खुद ही सुन लीजिए। वी हैव अनाउंसमेंट हियर, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया नरेश सूर्य क्लासिक को। हमारा नेक्स्ट नरेश सूर्य क्लासिक जो हो रहा है वो इंटरनेशनल जा रहा है, एंड नेपाल में हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट शो। और जितने भी एथलीट उस शो में पार्टिसिपेट करेंगे नरेश सूर्य क्लासिक में, उनका रहना फ्री होगा। तो चलिए तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मिस्टर पुणे 2023 के विनर्स को, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर मैन फिजिक डिवीजन से आए हैं जय वाकुदे, जिनको आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो एंड इनकी कंडीशनिंग भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन टू जय वाकुदे। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मिस्टर तेलंगाना 2023 के विनर्स को, जो कि कराया गया था IBBF की तरफ से। तो मिस्टर तेलंगाना 2023 के चैंपियन ऑफ चैंपियन के टाइटल को जिसने जीता है उनको आप लोग ऑन स्क्रीन देख सकते हो एंड उनकी फिजिक कंडीशनिंग को भी आप लोग देख सकते हो। एंड इनका नाम है शिवा मिस्टर इंडिया। तो गाइस मिस्टर तेलंगाना के अंदर ये काफी टॉप नोच फिजिक के साथ में आए थे एंड 2023 के मिस्टर तेलंगाना चैंपियन ऑफ चैंपियन के टाइटल को अपने नाम भी कर दिया, जैसे कि आप लोग ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। तो चलिए तो गाइस अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रहा है एंड्रयू जैक्ट के बारे में। तो गाइस फिलहाल में एंड्रयू जैक्ट एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि वो एंड्रयू जैक्ट क्लासिक चैंपियनशिप को लेके आने वाले हैं एंड उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड जो शो होने वाले हैं वो किस किस कंट्री में होने वाले हैं, किस जगह होने वाले हैं उन्होंने बताया है। कंट्रीज मोजाम्बिक ऑन द 3rd ऑफ जून एंड साउथ अफ्रीका ऑन द 1st ऑफ जुलाई। एंड यहाँ तक कि गाइज इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि इनके चैंपियनशिप के अंदर जो भी ओवरऑल टाइटल को अपने नाम करेगा उनको ये $5,000 देने वाले हैं। एंड गाइज उसके जो चैंपियनशिप के रजिस्ट्रेशन है वो भी लाइव हो चुकी है एंड जो कि आप लोग देख सकते हो उनके जो चैंपियनशिप का बैनर है उसको। तो चलिए तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है सुनमित गिल के बारे में। तो सुनमित गिल ने अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर किया है, जिसमें आप लोग उनकी करंट कंडीशनिंग को देख सकते हो एंड साथ भाई इनकी लोअर बॉडी यानी इनके क्वाड्स के कंडीशनिंग को भी आप लोग देख सकते हो, जो कि काफी टॉप नॉच एंड कंडीशनिंग में आप लोग को नजर आने वाले हैं। अगर इनकी अपर बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो उसके कंडीशनिंग को। बाकी गाइज इस अपडेट को शेयर करते टाइम सुनमित गिल हमसे पूछते हैं कि आप लोग उनका जो करंट बॉडी वेट है उसको गेस कर सकते हो एंड इस फिजिक के साथ में। तो गाइज इनके रिसेंट के फिजिक अपडेट को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग उनके बॉडी वेट को गैस करोगे तो आप लोग क्या लगता है कि इस टाइम पे सुनमित गिल का जो बॉडी वेट है वो कितना हो सकता है। एंड गाइज अगर मैं गैस करूं तो कुछ दिन पहले इनका जो बॉडी वेट था वो था 99.97 कुछ समथिंग था एंड आई थिंक सो इनका जो करंट बॉडी वेट है वो 97 या 98 कुछ होने वाला है। बाकी आप लोग क्या लगता है कि इनका करंट बॉडी वेट कितना हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को जरूर से लिखना। तो चलिए तो गाइज अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रामोन दिनो के लेटेस्ट फिजिक अपडेट को। एंड अपने फिजिक अपडेट में उन्होंने अपने बैक की कंडीशनिंग को रिवील किया है एंड ओलंपिया के इतने टाइम बाद जाके भी जो उनकी फिजिक है, जो उनकी कंडीशनिंग है वो गाइस काफी ज्यादा मेंटेन या फिर आप लोग बोल सकते हो बैलेंस्ड कंडीशनिंग उनकी है अभी। तो गाइस क्या आप लोगों ने रामोन दिनो की 2016 की फिजिक को देखा है? नहीं तो आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ 2016 की रामोन दिनो की जो फिजिक थी वो कैसी थी, जिसको आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस आप लोग को दिख रहा होगा कि उन्होंने 6 एंड 7 ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। सो गाइज आज की वीडियो में तो सिर्फ इतने अपडेट से। अगर जो चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज गाइज अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो कोई भी तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, काफी मेहनत लगती है ना, आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो काफी गंदा लगता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर ऑल।